नरेंद्र मोदी ने दी अर्नब गोस्वामी को हमले की खबर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अपने हाल में ही हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार समर्थक पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिसके कथित व्हाट्सएप चैट इस वक्त लीक हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ये व्हाट्सएप चैट भी शामिल हैं। और इन व्हाट्सएप चैट्स में बालाकोट हमले के बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से ही मालूम था। यही नहीं, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस पर कथित तौर पर इन व्हाट्सएप चैट्स में अर्नब गोस्वामी ये कह रहे थे कि आज जो तो मुझे ज़बरदस्त जीत मिली है। दोस्तों, उधर हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और ये आदमी सिर्फ अपने TRP के लिए जश्न मनाते हैं। चलिए एक बार सुनते हैं इस पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा। एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती, ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, NSA। इन पांच लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा।